वेलकम स्टूडेंट्स, नमो नमः छात्रः, स्वागतमस्तु। लेसन नंबर 5, मम विद्यालयः। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व द सॉल्यूशन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज नंबर 1, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली। ओके, तो ये आपको जो वर्ड्स है वो रीड करने हैं। ओके, सो रीड दिस वर्ड, विद्यालयः। विद्यालयः मीन्स स्कूल। प्रतिदिनम मीन्स एवरीडे। आगच्छामि, आगच्छामि मीन्स आई कम। आरंभः मीन्स स्टार्ट। प्रार्थनाखण्डः मीन्स द प्रेयर हॉल। वर्गखण्डः मीन्स क्लासरूम। क्रीडांगणम, क्रीडांगणम मीन्स प्लेग्राउंड। उद्यानम, उद्यानम मीन्स गार्डन। उत्तमम मीन्स ग्रेट। आई रीड अगेन, विद्यालयः, प्रतिदिनम, आगच्छामि, आरंभः, प्रार्थनाखण्डः, वर्गखण्डः, क्रीडांगणम, उद्यानम, उत्तमम। एक्सरसाइज नंबर 2, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन गिवन हियर। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मिस्टेक है वो मिस्टेक को करेक्ट करके आपको फिर से ये सेंटेंस लिखने हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, अनिलस्य विद्यालयः सुंदरम अस्ति। तो स्टूडेंट ये सेंटेंस रॉन्ग है, बिकॉज द स्कूल ऑफ राजीव इज अ ब्यूटीफुल, ओके, नॉट अनिल। तो सही जो सेंटेंस है, राजीवस्य विद्यालयः सुंदरः अस्ति। ओके, तो यहाँ पे जो ये वर्ड्स है, अनिलस्य की जगह पर आप लिखोगे राजीवस्य। ओके, अनिलस्य विद्यालयः सुंदरम अस्ति। राजीवस्य विद्यालयः सुंदरः अस्ति। विद्यालये क्रीडांगणः अस्ति। इसमें थोड़ी मिस्टेक है स्टूडेंट्स, आप लेसन में देखोगे तो ये सेंटेंस आपको मिलेगा, विद्यालये क्रीडांगणः अस्ति। हाँ, देयर इज अ प्लेग्राउंड इन द स्कूल, बट नॉट ओनली प्लेग्राउंड, विद्यालये विशालम क्रीडांगणम अपि अस्ति। विशालम मीन्स अ ह्यूज, देयर इज अ ह्यूज प्लेग्राउंड इन द स्कूल। ओके, तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स है विशालम एंड अपिस वर्ड्स यहाँ पे नहीं है, जो आपको यहाँ पे लिखना है। सो सही सेंटेंस है, विद्यालये विशालम क्रीडांगणम अपि अस्ति। राजीवः पुस्तकालये क्रीडति, इट इज रॉन्ग। राजीवः पुस्तकालये क्रीडति। ओके, सो राजीव प्लेस इन द लाइब्रेरी, ये सेंटेंस रॉन्ग है स्टूडेंट्स। राजीवः पुस्तकालये पठति, राजीव रीड्स इन द लाइब्रेरी। राजीवः पुस्तकालये पुस्तकं पठति, ये भी आप लिख सकते हो। ओके, नंबर 4, क्रीडांगणे राजीवः पठति। क्रीडांगण मीन्स अ प्ले ग्राउंड, पठति। हाँ, राजीव प्ले, राजीव रीड्स ऑन द प्ले ग्राउंड, इट इज रॉन्ग। क्रीडांगणे राजीवः खेलति, सो राजीव प्लेस इन द प्ले ग्राउंड। ओके, तो ये ध्यान में रखोगे। और हाँ स्टूडेंट्स, ये जो है फुल स्टॉप है, ये भी कंपलसरी करना पड़ेगा। आप जब एग्ज़ाम में ये नहीं करते तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो लैंग्वेज में फुल स्टॉप करना जरूरी है। सो क्रीडांगणे राजीवः पठति, पठति की जगह पर आप लिखोगे खेलति। ओके, राइट, खेलति द प्लेस ऑफ पठति। एंड द थर्ड सेंटेंस, राइट, पठति द प्लेस ऑफ क्रीडति। क्रीडांगणे राजीवः पठति, क्रीडांगणे राजीवः खेलति। राजीव प्लेस इन द प्लेग्राउंड। राजीवः 9 वादने विद्यालयं गच्छति, इट इज रॉन्ग, बिकॉज राजीव गोज टू स्कूल एट 11 o'clock। सो राइट सेंटेंस इज, राजीवः 11 वादने विद्यालयं गच्छति। ओके, राइट, 11 वादने द प्लेस ऑफ 9 वादने। तो ये 5 सेंटेंस इस तरह करेक्ट करके आप लिखोगे। ओके, नंबर 3, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू संस्कृत। ये सेंटेंस को आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई स्कूल। दिस इज मीन्स एषः, माई मीन्स मम, एषः मम विद्यालयः, एषः मम विद्यालयः, दिस इज माई स्कूल। माई स्कूल इज फाइन, फाइन मीन्स ब्यूटिफुल। मम विद्यालयः सुंदरम अस्ति, ओके, मम विद्यालयः सुंदरः अस्ति। द स्कूल बिगन्स एट 11 o'clock, 11 AM। विद्यालयः 11 वादने आरंभते, आरंभते मीन्स बिगन्स और स्टार्ट। द स्कूल बिगन्स एट 11 AM, विद्यालयः 11 वादने आरंभते। देयर इज अ लाइब्रेरी इन द स्कूल, विद्यालये पुस्तकालयम अस्ति। आई प्ले ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग द ब्रेक्स, ब्रेक मीन्स विराम समये, विराम समये अहम क्रीडांगणे खेलामि, प्ले ग्राउंड
मीन्स क्रीडांगणे, प्ले मीन्स खेलामी, आई प्ले मीन्स खेलामी, ओके, विराम समये अहम क्रीडांगणे खेलामी। आई रिपीट अगेन, दिस इज माय स्कूल, एषः मम विद्यालयः, माय स्कूल इज फाइन, मम विद्यालयः सुंदरः अस्ति, द स्कूल बिगन्स एट 11 AM, विद्यालयः एकादश वादने आरंभते, देयर इज अ लाइब्रेरी इन द स्कूल, विद्यालये पुस्तकालयम् अस्ति, आई प्ले ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग द ब्रेक्स, विराम समये अहम क्रीडांगणे खेलामि। फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। दो वर्ड्स है आपको यहाँ पे करेक्ट वर्ड यहाँ पे लिखना है। राजीव डैश वादने गृहम गच्छति, ओके, सो राजीव गोज टू अ होम एट अ डैश क्लॉक, सो राजीव, व्हेन डज राजीव गो, राजीव गोज टू हिज हाउस एट अ 5 o'clock, ओके, सो राइट आंसर इज पंच, राजीव पंचवादने गृहम गच्छति, मम विद्यालय डैश अस्ति, लघु, लघु मीन्स लार्ज एंड सुंदर मीन्स ब्यूटिफुल, मम विद्यालय सुंदर अस्ति, अहम प्रतिदिन डैश गच्छामि, विमानयानम विद्यालयम, ओके, अहम प्रतिदिन मीन्स एवरीडे, आई गो टू स्कूल एवरीडे, सो राइट आंसर इज विद्यालयम। राजीव डैश पुस्तकम पठति, वेर डज राजीव रीड अ बुक, सो राजीव रीड्स अ बुक इन द लाइब्रेरी, सो राइट आंसर इज पुस्तकालय, ओके। ये फर्स्ट एक्टिविटी स्टूडेंट्स आपको करनी है, ड्रॉ द मैप ऑफ योर स्कूल एंड राइट 5 to 6 सेंटेंस अबाउट इट। आपको आपकी स्कूल का एक मैप बनाना है और आपको 5 या 6 सेंटेंस संस्कृत या इंग्लिश में आपकी स्कूल के बारे में आपको लिखना है, ओके। पेज नंबर 20 पर भी स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी आप देख लो, पहले तो ये पिक्चर समझ लो, और 4 जो डायरेक्शन है, ये 4 डायरेक्शन यहाँ पर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर मीन्स नॉर्थ, दक्षिण मीन्स साउथ, पूर्व, पूर्व मीन्स ईस्ट एंड पश्चिम मीन्स वेस्ट। यहाँ पे मिडल में जो है टेम्पल आप देख रहे हो, मिडल की जो ये उत्तर दिशा है, ये जो है ये दक्षिण दिशा है, उत्तर दक्षिण, ये पूर्व पश्चिम, ओके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके, सो देर इज़ आप देख रहे हो, देर इज़ माउंटेन एंड देर इज़ अ रिवर, द नॉर्थ इन द नॉर्थ साइड ऑफ द टेम्पल, एंड देर इज़ अ गेट इन द साउथ, देर इज़ अ गार्डन इन द ईस्ट, एंड देर इज़ अ प्ले ग्राउंड इन द वेस्ट। तो ये आपको यहाँ पे फिलअप करनी है ये चित्र के तौर पे। फिल इन द गैप्स लुकिंग एट द पिक्चर, आप देख रहे हो मंदिर से उत्तरे डैश अस्ति, मंदिर से उत्तरे नदी अस्ति, मंदिर से उत्तरे नदी अस्ति, मंदिर से पश्चिमे डैश अस्ति, मंदिर से पश्चिमे क्रीडांगणम अस्ति, मंदिर से पूर्वे डैश अस्ति, मंदिर से पूर्वे उद्यानम अस्ति, मंदिर से दक्षिणे डैश अस्ति, तो मंदिर से दक्षिणे प्रवेश द्वारम अस्ति, ओके, मंदिर से उत्तरे नदी अस्ति, मंदिर से पश्चिमे क्रीडांगणम अस्ति, मंदिर से पूर्वे उद्यानम अस्ति, मंदिर से दक्षिणे प्रवेश द्वारम अस्ति। स्टूडेंट्स ये डायग्राम भी समझ लो, द फॉलोइंग डायग्राम्स शोस डायरेक्शन, टोटल 8 डायरेक्शन यहाँ पर आपको समझाया गया है स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आप SS में भी सीख चुके हो, ओके, उत्तर दक्षिण पूर्व एंड पश्चिम, उत्तर मीन्स नॉर्थ, दक्षिण मीन्स साउथ, पूर्व मीन्स ईस्ट एंड पश्चिम मीन्स वेस्ट। उत्तर को संस्कृत में उदीची कहा जाता है, दक्षिण को अर्वाची कहा जाता है, ओके, अर्वाची मीन्स साउथ, उदीची मीन्स नॉर्थ, प्राची मीन्स ईस्ट एंड प्रतीची मीन्स वेस्ट, ओके, सो उदीची, अर्वाची, प्राची एंड प्रतीची, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब जो स्टूडेंट्स नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में जो एंगल होता है उसे नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है, वेस्ट और साउथ में जो एंगल होता है उसमें साउथ वेस्ट हम कहते हैं, आप एंगल जानते हो, ओके, तो जो नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में जो एंगल है वो जो डायरेक्शन है वो वायव्य, वायव्य मीन्स नॉर्थ वेस्ट। उसी तरह स्टूडेंट्स नैऋत्य, नैऋत्य मीन्स साउथ वेस्ट, SW साउथ वेस्ट, अग्नि, अग्नि मीन्स साउथ ईस्ट, SE साउथ ईस्ट, एंड ईशान, ईशान मीन्स नॉर्थ ईस्ट, ओके, आई रिपीट अगेन, वायव्य नॉर्थ वेस्ट, नैऋत्य साउथ वेस्ट, अग्नि साउथ ईस्ट एंड ईशान नॉर्थ ईस्ट, ओके। ये डायग्राम भी आपको आपकी नोटबुक में बनाना है और इसी तरह आप लिखोगे और इसे भी ध्यान में रखोगे। आई रिपीट अगेन, उदीची मीन्स नॉर्थ, अर्वाची साउथ, प्राची ईस्ट, प्रतीची वेस्ट, वायव्य मीन्स नॉर्थ वेस्ट, नैऋत्य साउथ वेस्ट, अग्नि साउथ ईस्ट एंड ईशान
नॉर्थ ईस्ट। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप ग्रुप में मुझे पूछ सकते हो। नमो नमः, अस्तु, जय हिंद, जय भारत।